हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलिसब्लू। मैं हूं दीपेन गोय और आज हम बात करेंगे जिंक पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट ट्रेंड एंड मार्केट रेंज। जो आप देख सकते हैं ये जिंक एंड फोर आवर चार्ट और जिंक पिवट पॉइंट 19975.75, फर्स्ट रेजिस्टेंस 201.05 एंड सेकंड रेजिस्टेंस 202.65 एंड थर्ड 204.40, फर्स्ट सपोर्ट 198.60, सेकेंड 196.85, थर्ड 195.70। तो इसमें आप देख सकते हैं ये क्या है, डेली चार्ट है जिंक। तो इसमें देख सकते हैं डेली चार्ट में जिंक अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज क्रॉस करके वो ऊपर गया, फिर भी अभी भी वो 50-100 अभी भी 200 का ऊपर नहीं गया हुआ है। तो फिर भी यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टोकेस्टिक भी अप ट्रेंड कंफर्मेशन कर रहा है, जो रिट्रेसमेंट किया था। तो पहले 204 तक गया, उसके बाद रिट्रेसमेंट हुआ मार्केट, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 150 मूविंग एवरेज डेली सपोर्टिंग रेंज बनाया, तो वहाँ से बाउंस बैक हुआ और यहाँ से देख सकता है हायर हाई लो, दिस ऑन द लो हाई लोअर हाई सॉरी हायर हाई हायर लो हायर हाई लोअर हाई। नाउ इट्स अ टाइम टू गो अप अकॉर्डिंग टू डेली चार्ट। ओके, सो नाउ इफ यू सी इन अ फोर आवर चार्ट, सो दे आर रनिंग इन दिस ये एक रेंज में चल रहा है, राइट। तो हम देखेंगे तो फोर आवर में ये एक रेंज है, राइट। तो आप देख सकते हैं ये रेंज फोर आवर। तो अगर लॉन्ग पोजिशन में जाने के लिए आपको इसको ब्रेकआउट करना चाहिए, कौन सा लेवल, अराउंड 201 और 200 का आसपास आप देख लीजिए। ये अराउंड 200 आसपास होगा, एग्जैक्टली मैं आपको देखा तो ये, हाँ 201 एग्जैक्टली 202 आप पकड़ लीजिए। तो इसको ब्रेकआउट करना चाहिए, तो वहाँ से आप लॉन्ग पोजीशन के लिए बाय जा सकता है। तो इसमें देखेंगे हम 30 मिनट में मार्केट क्या है, 30 मिनट में आप देख सकते हैं ये मार्केट अप ट्रेंड लिया हुआ है, तो कंटिन्यूअसली एक रेंज में जा रहा है मार्केट, राइट। तो कंटिन्यूअसली एक ये रेंज में मार्केट जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे अप ट्रेंड प्लेस हुआ है, तो थोड़ा रिट्रेसमेंट तो होल्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे बाउंस बैक होता है क्या नहीं हुआ, 199.46 है, अगर यहाँ से हमें कुछ बुलिश कंफर्मेशन मिला तो यहाँ से आप बाय जा सकता है ये एरिया से। तो बिफोर गोइंग फॉर लॉन्ग हेयर, सो वी कैन वी हैव टू गेट एनी बाय कन्फर्मेशन, राइट। यहाँ पे आपको बाय कन्फर्मेशन मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर कोई, अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न का बारे में कोई जानकारी हो तो भी आप देख सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है क्या, थोड़ा मैं 15 मिनट कर देता हूँ, तब थोड़ा लार्ज फॉर्म में नहीं तो और 5 मिनट में कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, 30 मिनट में ये ज़्यादा 500 का मूविंग एवरेज से ज़्यादा लंबा मतलब डिस्टेंस में है, तो इसलिए थोड़ा इसमें डाउट होता है क्या यहाँ से बाउंस बैक होगा, क्या इसको तोड़ भी सकता है। लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लाइन आया हुआ है, तो इसलिए इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेट बना के रखा हुआ है, तो इसलिए उसको आप कंफर्मेशन लेना जरूरी है। तो अगर 5 मिनट में देख के, तो 5 मिनट में देखेंगे आप यहाँ जो 100 मूविंग एवरेज है उसको तोड़ने का कोशिश कर रहा है, और एक रेजिस्टेंस लाइन और सपोर्टिंग लाइन, सॉरी दो सपोर्टिंग लाइन, एक आपका जो प्राइस चैनल रेंज आ रहा है यहाँ पे, और एक सपोर्टिंग रेंज और एक मूविंग एवरेज सपोर्टिंग रेंज। तो यहाँ से मुझे लगता है तो वापस जाना चाहिए, लेकिन आपको एंटर होने से पहले कंफर्म लेना चाहिए बेकार मतलब ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी आप ऐसे ही घुस नहीं सकते यहाँ पे। तो कभी कभी ऐसा एक कॉम्प्लिकेट सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे पोजीशन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए ये पोजीशन अगर मैं होता तो ये पोजीशन
तो इसको कंफर्मेशन देने से ही मैं बाय लेता, जैसे ये क्रॉस ओवर होने का बाद ही मुझे बाय जाना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा कंफर्म नहीं हूँ यहाँ पे, तो क्योंकि 200 तक भी आ सकता है यहाँ पे, राइट। तो इसलिए मैं इसको पोजीशन होल्ड कर देता, राइट। तो इसमें मैं ट्रेड नहीं करता, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है, अगर बाय लेना है तो ऊपर से ही लेता मैं, राइट। अराउंड 1 रुपीज का ऊपर में बाय ले लेता, अभी तो बाय का कोई पोजीशन मेरे हिसाब से नहीं है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।